उसको जिसकी कटिंग करनी बहुत ही ज़्यादा आसान है और उसमें कपड़ा भी कम से कम लगता है, 2 मीटर कपड़े से भी कम कपड़ा लगता है व्यूवर्स। अच्छा व्यूवर्स, जो दूसरी जो आपको मैं कटिंग बता रहा हूँ बहुत ही आसान कटिंग है वो, जिसको आप देखेंगे आप खुद हैरान रह जाएंगे कितनी ईजी कटिंग। व्यूवर्स इसके अंदर हिप का नाप नहीं होता, यहाँ से बाजू का भी नाप होता है, वो मैं आपको बताता हूँ। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल वर्ल्ड स्टाइल। व्यूवर्स ये वीडियो का सेकंड पार्ट है, ठीक है, फर्स्ट पार्ट हमारी वीडियो में आपको मिल जाएगा जो पहले हम। ये तो 6 इंच इसके आस्तीन की मोरी है, जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से मैंने आपको बताई है। अब इसकी बेल आस्तीन भी कर सकते हैं आप, 10 इंच भी मोरी कर सकते हैं और इससे मज़ीद बढ़ा भी सकते हैं, 15 भी कर सकते हैं इसकी, और मज़ीद जितना चाहे उतनी बढ़ा सकते हैं कपड़े के हिसाब से। ये देखिएगा, जब ऐसे बेल आस्तीन कटती है तो व्यूवर्स इसमें यहाँ से बाजू का भी नाप होता है, वो मैं आपको बताता हूँ। फ़र्ज़ करें ये देखिएगा व्यूवर्स, हमने इसकी मोरी रखनी है 20, बेल आस्तीन रखनी है इसकी। अच्छा, बेल आस्तीन का इस तरह से इसका गोलाई का शेप देना होगा, ये देखिएगा व्यूवर्स। और फिर इसका हमने बाजू का नाप लेना है इसका, क्योंकि ये बेल आस्तीन जो है ना बाजू से फिट होती है, बाजू का नाप जो है ये यहाँ से 19 इंच आता है, ये कोनी इसकी, ये 19 इंच। अच्छा, इसकी कोनी होगी नाप के हिसाब से 8 इंच एंड हाफ, ठीक है। भी बस ये देखिए, ये निशान लगाया, ये मैं आपको बेल आस्तीन का निशान लगाकर बता रहा हूँ। अच्छा, इसकी ये वेट से इसको ये चेस्ट तक इस तरह से लेकर जाना है, ये देखिएगा। अब इसी निशान को ये ऐसे ये कोनी तक लेकर आएगा इस निशान को। अब ये हमने मोरी का निशान लगाया था 20 इंच के ऊपर, अब इसको इसी तरह से ये 20 इंच के ऊपर ये निशान जाएगा, ये देखिए। सभी वर्ष ये देखिएगा, मोरी का निशान मैंने लगाया था ये 20 इंच के ऊपर, ये 20 इंच बहुत ज़्यादा हो जाता है, जो ज़्यादा करके अमूमन जो गर्ल्स लाइक रिक्वेस्ट करती है वो जो 12 इंच हुआ या 10 इंच, इतनी ज़्यादा से ज़्यादा बेल मोरी अमूमन ये चलती है, उसका भी निशान इसी तरीके से ये देखिए 12 के ऊपर इस तरह से निशान जाएगा। ये 12 इंच की बेल आस्तीन हो गई है, क्योंकि ये 20 के ऊपर जो मैंने निशान लगाया था ये बहुत ज़्यादा हो जाती है, ओवर हो जाती है बहुत ज़्यादा, ये बिल्कुल नॉर्मल जो है 12 इंच के ऊपर, ठीक है भी बस। अच्छा, अब इसकी हमने जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हमने इसका निशान लगाना है व्यूवर्स। ये देखिएगा, इसी निशान को ये जो हमने कोनी रखी थी इधर से, ये कोनी के यहाँ से इसी तरह से ये 6 इंच के ऊपर निशान जाएगा, ये इसका जो ओरिजिनल जो हमने अभी काटना है, ये जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट है वो हमने पूरी करनी है। ये आपको समझाने के लिए मैंने जो निशान लगाए थे ये आपको समझाने के लिए। अच्छा व्यूवर्स, इसका एक और आसान तरीका है कटिंग का, ये भी मैं आपको बता देता हूँ, मैंने कर दिया बस। अच्छा व्यूवर्स, जो दूसरी जो आपको मैं कटिंग बता रहा हूँ बहुत ही आसान कटिंग है वो, जिसको आप देखेंगे आप खुद हैरान रह जाएंगे कितनी ईजी कटिंग। ये देखिएगा व्यूवर्स, फर्ज अगर आपके पास ये अबाया है, ठीक है, ऐसा 1 पीस में जो अबाया है, तो उसको इसी तरह से पीस बिछा कर, ये देखिएगा व्यूवर्स, ये इसकी आस्तीन इस तरह से इसको बिल्कुल सीधी करनी होगी। ये देखिएगा व्यूवर्स, जो इस अबाये का फ्लेयर है ना व्यूवर्स, इस फ्लेयर के हिसाब से हमें हिप का नाप की ज़रूरत पड़ती है। इस ये जो मैंने अभी अबाया इसके ऊपर बिछाया है इसके हिसाब से। अच्छा व्यूवर्स, ये देखिएगा, ये इस तरह से पीस को बिछा कर इसके ऊपर ये ऐसे हमें निशान लगाने हैं, इसके ऐसे हल्के हल्के निशान लगा कर इस तरह से फिर इस अबाये को उठा लेना है, अगर ये आपको परफेक्ट है तो नाप। अच्छा व्यूवर्स, ये देखिएगा, ये बिल्कुल इजी और आसान कटिंग है, इसको हम इस तरह से अबाया बिछा कर इसको कैंची से कटिंग कर सकते हैं, इसका दबाव रख कर, ठीक है व्यूवर्स। अच्छा, इसका ना ज़्यादा दबाव नहीं रखिएगा, अगर ज़्यादा दबाव रखोगे इसका कपड़े का तो यहाँ से ना फिटिंग नहीं बैठती है, ये देख रहे हैं आप इसकी, क्योंकि इसमें आरमोल तो होता नहीं है 1 पीस में, तो इसका दबाव कम से कम रखिएगा, ठीक है व्यूवर्स। अब मैं आपको इसकी कटिंग करता हूँ, कटिंग करना बताता हूँ। ये देखिएगा, अब मैं इसका जो ओरिजिनल हमने निशान लगाया था जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट थी उसके हिसाब से मैं आपको कटिंग करके बताता हूँ।
ये देखिएगा अभी बस हमने इस तरह से इसको दबाव रख कर इसके कटिंग करनी है। ये देखिएगा फ्लेयर की गोलाई, ये देखिएगा व्यूअर्स इसके कमर वेस्ट का जो निशान है इस पर लाकर ये इस तरह से गोलाई होती है। ये देखिएगा इसमें ज़्यादा कपड़ा हमने नहीं रखना। ये देखिएगा अच्छा इसके लिए फ्रंट ओपन है तो इसके लिए हमने सेंटर में इस तरह से कुटका लगाना है इसका, ठीक है व्यूअर्स। अच्छा व्यूअर्स ये देखिएगा जो मैंने निशान बताया ना गले का, ये इस तरह से लगेगा। इसके जो तलपट का होता है ये स्टिचिंग करेंगे फिर आपको बताएंगे कि किस तरीके से इसका गले का निशान लगता है। वी भी गला बन सकता है इसका, गोल गला भी बन सकता है, ठीक है व्यूअर्स। ये देखिएगा इसकी अबाई की कटिंग हो गई है इसकी, ये देखिएगा इसकी कमर के ऊपर इस तरह से ये कुटका हमें लगाना है। ये देखिए इस तरह से कुटका लगाना है इसके कमर का। सो व्यूअर्स ये देखिएगा इसकी कटिंग हो गई है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिएगा ये इसकी हमने कटिंग कर दी है। अच्छा व्यूअर्स ये देखिएगा ये इसकी कटिंग की है, ये देखिएगा ये इसका बैग है, ठीक है व्यूअर्स। अच्छा व्यूअर्स जाइएगा नहीं, अभी आपको इंशाल्लाह इसकी दूसरी वीडियो बनाकर दिखाता हूँ इसकी मैं आपको, जिसकी कटिंग करनी बहुत ही ज़्यादा आसान है और उसमें कपड़ा भी कम से कम लगता है। 2 मीटर कपड़े से भी कम कपड़ा लगता है व्यूअर्स। मैं आपको बताता हूँ किस तरह से उसकी कटिंग होती है। अच्छा व्यूअर्स ये देखिएगा दूसरी अबाई की जो मैं कटिंग बताने जा रहा हूँ आपको, उसमें कम से कम कपड़ा लगता है। ये देखिएगा 58 इंच का हमने अबाया कटिंग करना है इसका, तो इसके लिए कपड़ा हमें चाहिए 58 के लिए पूरा 2 मीटर कपड़ा, ठीक है व्यूअर्स। अच्छा जिसकी 58 से कम लेंथ हो उसके लिए फिर कम कपड़ा चाहिए, 2 मीटर से भी कम कपड़ा होता है। इसकी कटिंग किस तरह से होती है व्यूअर्स ये मैं आपको बताता हूँ। ये देखिएगा इसको दोनों को फोल्ड इस तरह से करना है। अच्छा व्यूअर्स ये देखिएगा इसको इस तरह से बिछाना है। अच्छा व्यूअर्स ये जो 2 मीटर कपड़ा जो हमने लेना ना इसका, तो इसका अर्ज भी इसका 68 इंच इसका अर्ज हो, ठीक है। अगर 58 इंच इसका अर्ज है तो उसमें नहीं बनेगा, ये बनेगा 68 इंच के अंदर जिसका अर्ज हो। ये देखिएगा इस तरह से इसको बिछा कर। अच्छा व्यूअर्स ये देखिएगा इस तरह से हमने ये कपड़ा बिछा दिया, अब हमने काटना है इसको 58 इंच पर। व्यूअर्स ये देखिएगा ये हमारे पास तो है पैटर्न, ये हम काटते हैं रेंज के हिसाब से तो ये चलता है पैटर्न इसका। ये देखिएगा ये पैटर्न है ना, इस तरह से रखना है इसको, ये देखिए इस तरह से रखकर इसको। अब जो इसकी लेंथ है, जैसे अब ये 58 इंच इसकी लेंथ है, ये 58 के ऊपर ये हमने निशान लगा के इसको कटिंग करना है व्यूअर्स। अच्छा व्यूअर्स ये देखिएगा 58 इंच के ऊपर इस तरह से निशान लगाकर इसकी लेंथ काटनी है। अच्छा व्यूअर्स ये देखिएगा इसका फ्लेयर जो है 36 होगा इसका, इससे ज़्यादा नहीं होगा, 36 इंच इसका फ्लेयर होगा। अच्छा व्यूअर्स इसका फ्लेयर जो है 36 इंच आएगा, इसी तरह से कटिंग होगा ये, ठीक है व्यूअर्स। अच्छा इसके जो पैटर्न है ये इसके हिसाब से हमने इसकी कटिंग करनी है इस तरह से, ये देखिएगा इस तरह से इसकी कटिंग करनी है। तो ये पैटर्न को इसको उठाकर ये इसको हेयर फेयर करके कटिंग करना है। अभी इधर से इस तरह से बिछाकर इसको इसका बैग निकलेगा, ये देखिए यहाँ से इसका फ्रंट निकल गया, इस जगह से इसका बैग निकलेगा, इस तरह से कटिंग करना है इसका। ये तो हम पैटर्न के हिसाब से कटिंग करते हैं, क्योंकि अगर कोई साइज़ का हिसाब होता तो फिर वो जैसे पहले मैंने आपको बताई है वीडियो में कि किस तरीके से इसका निशान लगता है, चेस्ट का, कमर का, हिप्स का निशान जो लगता है वो नाप के हिसाब से होता है। बाकी ये जो कटिंग होती है ये कम से कम कपड़े में होती है और इस तरह से हेयर फेयर करके सभी पर से ये देखिएगा इस तरह से फ्रंट कटिंग करने के बाद, ठीक है, यही फ्रंट उठा के इस तरह से जैसे ये मैंने पैटर्न बिछाया है ना इसी तरीके से ये जो फ्रंट वाला हिस्सा है इधर बिछाया जाएगा, ऐसे यहाँ से बैग निकल जाएगी। ये है कम से कम कपड़े में बनता अबाया। ये व्यूअर्स ये डबल लेयर अबाया है। कमेंट्स में आप अपनी राय दें कि इसकी कटिंग की और स्टिचिंग की वीडियो बनाएं या नहीं बनाएं।
शबीवर साहब मैं इजाज़त चाहता हूँ आपसे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आपसे इंशाल्लाह बहुत जल्द मुलाकात करूँगा। जब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।